ओए होए होए, वेरी एक्साइटेड वेरी एक्साइटेड। खुंजरा पास वो देख, 10 मार खोर खड़े हुए। जल्दी कहता जिगरा है मेरा पीछे बैठ रहा है। ओ हो GS1000 RR शिक्रा और सामने चाइना बॉर्डर, और माशाल्लाह हमारी सारी शपे गैंग लाइव व्लॉग देख रही है आज। वाह जी वाह, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम शपेगिंग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई RHS एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या हाल है हसन? ठीक ठाक, जबरदस्त। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो हम लोगों ने कल यहाँ के स्टे किया था गुलमित में एपिक्स होटल्स, और यहाँ से सामने हमें नजर आती है पशु कोन्स। यार पशु कोन्स का कितना खूबसूरत और कितना क्लियर व्यू है। और यहाँ आके रात हम लोगों ने स्टे किया था यट्स के अंदर। ये बड़ी खूबसूरत जगह है और बड़ी कम्फर्टेबल नींद आई है। ऐसे ही वो जिस तरह हम एक बार ग्लैम्प में रहे थे वो इतना कंफर्टेबल नहीं था। हाँ, वो थोड़ा सा तंग था। ये जगह हाँ, खुली है जरा, ये बहुत खुली है। ये है कि हम पांचों एक जगह पे बैठ भी सकते हैं। यस, क्योंकि बेड है बड़ा कंफर्टेबल, फिर यहाँ बैठने की अच्छी जगह है। अभी जरा चले नाश्ता करें। आयो। अच्छा भाई, तो सीन ये है कि हम लोगों ने आज वॉल मेरे खराब करो तुसी। सीन ये है कि आज हम लोगों ने निकलना है जी खुंजराब पास के लिए, और हम लोगों का प्लान था कि 6 बजे उठेंगे और 7 बजे हम निकल जाएंगे। बाय द वे, ये यट्स की एक यहाँ से आपको फील नजर आ सकती है, ये इस तरह से बाहर से बिल्कुल गोल। अच्छा, हमारा प्लान ये था कि हम लोग सुबह 6 बजे उठेंगे, 6:30 नाश्ता करेंगे, 7 बजे हम लोग निकलेंगे खुंजराब के लिए। माशाल्लाह हमारे बाइक्स यहाँ पे रेडी हैं, बट उठते उठते हमें क्या हाल है बंटी? ठीक है। उठते उठते हमें हो गए हैं 6:40, और उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से जो है ना वो नाश्ता तैयार किया हुआ है 6:30 बजे का, और अब 7 बज चुके हैं। फौजी टाइम 7 बज चुके हैं, क्योंकि ये भाई टाइम के बहुत पक्के लोग हैं, और नाश्ता में खल ठंडा हो रहा है। हाँ, वो अभी गया जवाब अंदर। कभी टाइम पे तैयार नहीं हो सकते आप लोग। मैं तैयार हूँ कभी टाइम पे। 6:10-15 मिनट पे फौजी टाइम पे आके उठा दिया। खैर उस टाइम पे मैं उठा, असल में मसला ये हुआ कि मैं सोया रात को 2:40 पे, और अब फिर सुबह 6:30 बजे उठ गया मैं थोड़ा वो एडिट का। और अभी भी माशाल्लाह से हमारा नाश्ता यहाँ पे रेडी है, जिसमें है जी पैनकेक्स, और पैनकेक्स की शक्ल यार कितनी खूबसूरत बनाई है, और साथ में हमारे पास स्क्रैम्बल्ड एग्स हैं। स्क्रैम्बल्ड एग्स के अलावा यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट हैं। फ्रेंच टोस्ट के अलावा इस तरफ आ जाता है हमारे पास ऑमलेट, और कॉफ़ी है मिक्सचर वाली, अभी इसमें आएगा गर्मा गर्म दूध, और इस तरफ मुझे जो है ना कोई नस्ली देसी मक्खन, साथ में शहद है पता नहीं या क्या है, ये क्रिस्टल जैम, क्या है ये, एप्रिकॉट जैम हो सकता है, ये और ही लग रहा है, और साथ में है चीनी। करें जी नाश्ता शुरू। आज नाश्ता हो चुका है शुरू, और क्या जज्बात है आज के, क्या प्लान है? फुल एक्साइटेड, मजे का दिन होने वाला है आज। क्या प्लान है आज का, हम कहाँ से निकलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, क्या होगा? इधर से निकलते हैं ना गुलमीच, ठीक है, और खुंजराब करके रास्ते में पशु रुकेंगे, स्वस्थ रुकेंगे, खुंजराब जाएंगे अंदर, बेहतरीन। अच्छा भी रात उन्होंने पूछा कि आप किस टाइप का सुबह नाश्ता करना चाहेंगे, पाकिस्तानी या फिर ये, हम लोगों ने कहा यार काफी दिन से हम वही सेम चीजें खा रहे हैं, तो सुबह जरा पैनकेक और स्क्रैम्बल्ड एग्स वगैरह जो है, तो आपने बनाया भाईजन? इधर मेरे साथ आ जाएं जरा एक मिनट, बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपने सुबह सुबह उठ के टाइम से पहले हमारे लिए नाश्ता बनाया। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, हमारे मास्टर शेफ हैं हमारे पैनकेक स्क्रैम्बल्ड एग और हर चीज के। यार रात भी खाना आपने बनाया था? जी सर। यार कमाल चिकन चिल्ली ट्राई था वो, आज फिर इंशाल्लाह आपसे कुछ ना कुछ अच्छा खाएंगे वापस आके, और इसका शुक्रिया। तो फिलहाल हम लोग बस ये खाएंगे पैनकेक, और फिर उसके बाद हम लोगों ने निकलना है जितना जल्दी हो सके। नाश्ता वाश्ता करके हम लोग आए वापस, और अब राइड के लिए हो चुके हैं रेडी। मौसम यार किसी भी तरफ बादलों का कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा, धूप है, और ये धूप जब डायरेक्ट लगती है ना काफ़ी देर, तो ये फिर अच्छी खासी तेज़ लगती है। ओए होए होए, वेरी एक्साइटेड वेरी एक्साइटेड। खुंजराब पास। अच्छा कौरसी साहब, वैसे पहले 2 दफ़ा जब हम आए हैं हुंजा, दोनों बार हम खुंजराब नहीं जा पाए है ना? बर्फ देख के वापस, हमारे जो दोनों बाइक ट्रिप्स हैं उन दोनों पे हम खुंजराब नहीं पहुंच पाए थे। आपने अगर सीरीज देखी है तो आपको पता होगा, एक बार हम लोग सोच से वापस मुड़ गए थे, और एक बार उन्होंने हमें चेक पोस्ट से आगे नहीं जाने दिया था कि आगे स्नो है। आज इंशाल्लाह हम जा
जाके रहेंगे नहीं कहना चाहिए, आज इंशाल्लाह जाएंगे अल्लाह का हुक्म हुआ तो, क्योंकि मौसम ठीक है यार। जब सामने निकलते ही पशु कौन जो ना, तो क्या मैजिकल व्यू है इस पशु कौंस का, ये ऐसे लगता है अल्लाह ताला ने एक वाकई में पेंटिंग खड़ी कर दी है। और हमारे शिक्रे, हमारे जिन बीमर सब रेडी। अभी आज हम लोग एक बहुत ही मजे का माउंट लगा रहे हैं इस 1000 आरआर पे, जो के देगा हमें क्या शॉट, GTA Vice City। और बाइक जा रहा होगा तो ऐसे लगेगा कि ड्रोन जो है वो बाइक को फॉलो कर रहा है। जी प्यारे भाई करो स्टार्ट, रेडी स्टेडी एप्पल गो। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, कोल्ड स्टार्ट करते हैं ताकि निकलने की तैयारी हमारी पहला स्टेप तो होवे किसी तरह। हाँ जी याद आ गया, पेट्रोल की बोतलें। लो जी हम लोग रेडी हो चुके हैं राइड के लिए और बस अब निकलना है। और गौरसी साहब धूप ने अपना काम जो है वो बहुत तेज रखा हुआ है, या अल्लाह रहम है कहती अज ही हाँ मैं वाकई, या अल्लाह धूप चली जाए और बादल आ जाए, आमीन सुमा आमीन। गाड़ी में टेम्परेचर क्या शो हो रहा है? बस चलते हैं गाड़ी में, आउटसाइड टेम्परेचर क्या है? चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कोल्ड स्टार्ट करके बाइक को एक दो दोबारा बंद कर दिया था कि टेम्परेचर कहीं ज़्यादा ही। ओके अपेक्स मिलते हैं शाम को। अच्छा फील्स लाइक 40 है, 140 किलोमीटर टू खुंजराब पास। और हम लोग इंशाल्लाह रुकते हुए जाएंगे क्योंकि पहला स्टॉप हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे पशु कौंस पे, पशु व्यू पे। माशाल्लाह यार धूप की वजह से उन पे क्या शाइन आ रही है, वो लग रहा है पता नहीं यार, ये व्यू जो है ना, ये जब ये मोड़ मुड़ते और ये वैली नजर आती है ना, ये एक बहुत जाइगेंटिक व्यू है जो आप मतलब आपकी नज़र और दिमाग समझ नहीं पाता कि ये चीज़ कितनी दूर है और क्या है ये। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम लोग रुकेंगे पशु व्यू पॉइंट पे और फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता रुकते रुकाते अपने शुगर लगाते हुए जाएंगे खुंजरा पास। तो हजरात आज जाने वाली है खुंजरा पास। एक और सी साहब डाले के पीछे क्यों चढ़ गए हैं? अच्छा शॉपर उड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ज़बरदस्त हेलमेट यार। क्या चीज़? हाँ जी शुक्र अल्लाह का। कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा अच्छा थैंक यू यार थैंक यू। ये हेलमेट पे सींग खुद लगाए हैं ये इसके हैं? अच्छा खुद लगाए हैं, ज़बरदस्त यार, क्या बात है यार आप। हाँ जी प्लीज़ बिल्कुल लें। चल आपका भी कोई चैनल वगैरह है? चैनल है कोई? अच्छा टिकटॉक, क्या नाम है? AR Custom। ओह ज़बरदस्त, थैंक यू भाई जान, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, खैरियत से सफ़र करें। ओ मेरा गौरी जान दा शुकदा, ओ गौरी जान दा शुकदा। अच्छा वैसे अब चले हैं तो धूप तंग नहीं कर रही है ना, हवा लग रही है ठंडी ठंडी माशाल्लाह मीठी मीठी। और हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि गर्दन हमारी जो है ना वो आज सड़ बुझ जाए क्योंकि मैंने वो बैंडाना वगैरह वो कुछ भी नहीं लिया। और तेरी ओ खैर ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह यार, पशु कौंस देखो सामने, ओ हो बंदा जितना इसके करीब आता रहे ना उतना जाइंट इसका वो होता रहता है, अल्लाह की कुदरत है यार ये, मतलब बंदे की सोच जाती नहीं है कि ये क्या है क्या ये। अभी हम लोग रुकेंगे जी वेलकम टू पशु व्यू पॉइंट पे, ये बिल्कुल यहाँ से क्लियर सामने पशु का व्यू होता है और वो सामने जो आपको नजर आ रहा है वो है पशु ग्लेशियर। पीछे से क्लियर है? पहुंच चुके हैं हम लोग पशु व्यू पॉइंट पे, पीछे आपको पशु कौंस नजर आ रही हैं। ये मेरा दोस्त है जेडी यार, ये जब बात की हो रही थी तुझे पता नहीं वो मोटरसाइकिल करा देगा यार वो, और डंगोर है कौन सा, तो तू चले जाना अजीब आ जा कब। नहीं यार यहां कमरे में करते होते यार, यहां पे नहीं, यहां चीख आ जा वो मेरी बैठ गई। पीछे से कहता भी यार, पीछे से कहता भी आ रहा हूँ मेरी पैंट गिर गई। पहला ब्रेक हमारा आ चुका है पशु कौंस के सामने, ये पीछे आपको पशु कौंस दी माइटी जाइंट पशु कौंस नजर आ रही हैं और सामने हमारा BMW S1000 RR और साथ ही शिक्रा पशु के सामने। क्या ये सोचा हुआ था
कैसे पशु कौंस के सामने दोनों खड़े होंगे ना, और दोनों क्या खूबसूरत लग रहे हैं, और साथ में जिन बम 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 किधर गया था भाई, शर्ट ना खराब कर, भाई शर्ट खराब हो जाएगी तेरी, भागा क्यों था, सही सीधा इसकी होती है पेट में गुदगुदी और ये भागता है, ठीक है ठीक है, चले चले जी। चलें जी, पशु कौंस के साथ हमने फोटोज शोटोज बना लिए और फिर से हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफर की तरफ। अगला ब्रेक हमारा क्या है जी, सोस्त या उससे पहले? ठीक है, ओए सामने क्या व्यू है यार, लेफ्ट पे क्या है, हाँ जहाँ हम लोग रुके थे ना, ये वो है ना, हाँ ओ यार ये क्या रोड बनाने लगे हैं, ये पहाड़ खो वो किया हुआ है ना, ये इधर कोई ना कोई या तो रोड गुजरने लगी है किसी जगह के लिए, कालियां रातां नूं जदों तारे चमके निगाने तेरे, वो स्ट्रेट रोड कहां गई पशु वाली आगे, सही सही ये डाले को धक्का लगा रहे हो, डाले ने ब्रेक मारी ना, टांग मेरे पास आ जानी है रेस लानी हूं, रेस लानी हूं, ये सबसे बेस्ट व्यू है यार, इसमें बिल्कुल सामने पशु कौंस होती हैं और स्ट्रेट ऐसे रोड है। अच्छा पशु कौंस का जो है ना वो कोई एक व्यू पॉइंट नहीं है, एक जगह बस लिखा हुआ है वेलकम टू पशु, इसके मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं और हर व्यू पॉइंट से इसका जो है ना वो डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट एक वो आता है व्यू, मैं कहने लगा था फ्लेवर। यहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं अपने एक्सपर्ट फोटोग्राफर से फोटोग्राफी, क्या ही बात है, हसन बना रहे हमारी पिक्चर्स, क्या ही बात है, पीछे पशु कौंस सामने शिकरे, शिकरे तो उते मजेल और हमारा बॉय जो कह तेरी एनिमल वाली फिर रोक लिया, अभी कांड हो गया वो आपको हम जब आएगा यार, एक रील बनानी थी, सामने व्यू है, बड़ा शॉर्ट टाइम होता है रोड पे खाली रोड ढूंढ के, पैच ढूंढ के रील बनाना, वो बाइक रोका उसके पीछे जेडी बिठाया रील बनाई पूरी, जब रुक के कहता सॉरी यार वीडियो ऑन नहीं थी, मैं कहता रहा दूं का लेकिन भाई ये बड़ा मेरा, चलो हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, माजरत आपको तंग कर रहे हैं, बस हम थोड़ा सा आगे, ये डाले से थोड़ा आगे वो बोर्ड नहीं है इस तरफ, ये वहाँ से मुड़ के वापस आएंगे, ठीक है, बस आप आगे सेंटर लाइन में चलेंगे ना और हम बस पीछे चलेंगे आपके, थोड़ा हाँ 40-50 की स्पीड, खड्डा 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 खड्डा, आई आई लास्ट ट्रिप में हम लोगों ने इतने आईबेक्स देखे थे, ये मार्कोर तो कोई नहीं ना देखा हमने लाइव, हाँ मार्कोर नहीं देखा हमने, आईबेक्स देखे थे और बड़े बड़े सींगों वाले, मतलब ऐसे इतना नीचे आए हुए थे, सर्दियाँ थी ना दिसंबर में, होने जा रही है ड्रीम राइड इंशाल्लाह। आप बैठे हैं बालिंत मेरी, ओ छोटे छोटे पेबल्स, ओ हो दिस इज पाकिस्तान, लचक लचक ये अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी, ठीक ठाक हैं, अल्लाह की फजल से आपके दुआ, शुक्र अल्लाह का जी, चाचा जी कहते हैं शेर का बच्चा, हम पहले फौज में था उसके बाद शिकारी हो गया, सही
ये आइबेक्स को मार रहा और जानवर को मार रहा, सही, ये चीता को मार रहा है, अभी बूढ़ा हो गया, बस सीधे जिम्मेदारी, अभी आप चीता ना सर, ऐसे चीज में देखो आपका जवानी, आपका किस्मत, सर जमाने में ऐसे नहीं था, मेरे उम्र कोई 82 साल है। अच्छा, उस वक्त बहुत गुर्बत था पाकिस्तान में, 5 साल मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट में खिदमत किया आर्मी में, 65 का लड़ाई भी मैंने किया, लेकिन ऐसा वक्त नहीं था। आप लोगों को शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जजाकल्ला। हाँ जी कर दें। ये आ गई है वो वाली जगह जहाँ दिसंबर ट्रिप में हम लोग आके रुक गए थे, क्योंकि बर्फ़ आगे बहुत ज़्यादा थी और मतलब यहाँ रोड पे सारी जो है ना वो ग्लास आइस थी, तो बड़ा बच बच के गुजरना पड़ रहा था। और ये वाला पुल है जहाँ हम लोग रुक गए थे, बस इससे आगे हम गए नहीं थे, क्योंकि इस पुल पे भी जब उतर के खड़े हुए थे पिक्चर्स के लिए तो हमारे पाँव ऐसे स्केट कर रहे थे, स्केटिंग बोर्ड बने हुए थे ऐसी। यार वो क्या खूबसूरत व्यू था उस टाइम, यहाँ सारी बर्फ़ थी, मतलब बहुत खूबसूरत ऐसे पाउडर बर्फ। इस टाइम आपकी स्क्रीन पे वो पिक्चर है चल रही है, वो ये एग्जैक्टली इस जगह की है। तो यहाँ से हम लोग फिर इस जगह से मुड़ के वापस चले गए थे। वेलकम टू हंजा जिंगजांग, क्या भाई, वेलकम टू सोस्त। और यहाँ पे हम लोग जरा एक दफा पेट्रोल भरवा लेंगे, दोबारा से टैंक फुल करवाएंगे और फिर निकलेंगे आगे। पेट्रोल हमारा डल चुका है, हाई ऑक्टेन भी डाल लिया था, और ये नहीं पता अब इसमें कितना डला है क्योंकि मैं इसका कार्ड चेंज कर रहा था, और 5999 का दोनों बाइक्स में डला है, प्लस हमने एक कैन उसका फुल करवाया है कि खुदा नखास्ता वापसी पे, उसका तो मसला ही नहीं है, उन्होंने तो घोड़े नू जितने मर्जी ला जाओ इतने पेट्रोल में, इसका है हमें कि अगर वापसी पे ख़त्म हो रहा हुआ तो फिर हम वो कैन से इसको रिफिल कर लेंगे। ये है मेन सोस्त सिटी, विलेज कुछ भी कह सकते हैं, टाउन, और यहाँ पे अक्सर ही हम लोग रुक के चिप्स पापड़ फुले ले लें उन्हें, तो नाल ही असी इतों चाह भी पीने उन्हें, बट आज हम कोई चाय आगे देखते हैं यार। सोस्त में ले लिया हम लोगों ने एक चाय ब्रेक, तो जिस हिसाब न चल रहे ने मुश्किल ही खुंजरा हुआ, चाय पी के निकले यार यहाँ से, इतनी देर लगाई उन्होंने चाय में, और बाहर आके मैं बाइक पे बैठा हूँ, आप यकीन करो ऐसे है कि जिस तरह मैं तवे पे बैठ गया हूँ, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि मेरे ये जो हैंडल्स हैं ना इस टाइम ये सड़े हुए हैं। ले जी वर्सी साहब बाइक लीन करके दिखाए जरा यार, मैं भी कर सकता हूँ ये ये नहीं, ये नहीं अभी हम अपने पीछे वालों को पागल बनाने लगे हैं, इशारा करेंगे पहाड़ की तरफ कि हुई 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 मार खो, ये पानी गुजार के ना करो करो करो, उए मार खोर मार खोर, वो देख 10 मारखोर खड़े हुए, वो देख बिल्कुल सामने, वो सामने ऊपर देख, वो देख वो चलते, वो चलता हुआ जा रहा है इतना बड़ा, बड़े बड़े सिंगों वाला, मजाक कर रहे थे कैमरे में हाथ हिला दो आज चले ऐसे दौड़े अंदर बैठे ऐसे देख रहे थे जिसमें अंतर पता नहीं जाने लगी है। फर्स्ट चेक पोस्ट आ चुकी है, बल्कि सेकंड चेक पोस्ट, एक सोर्स के बाद आई थी, उन्होंने बस रोक के कहा था कि जी ख्याल से चलना है। बड़ा भाई तुम लोग मारखोर देखने के लिए उतरे थे हैं? क्या गड्ढा है मारखोर देखिए, फिर फुल फुल मजाक। हाँ जी गाड़ी ये तीनों साथ हैं, वो गया एक, मौसम कैसा होगा ऊपर कोई पता है? इसी तरह मारखोर नहीं आजकल नजर आते नीचे, ऊपर है कोई 32 किलोमीटर के बाद हमारे बंदे हैं ना, उधर दिखाएगा आपको। चलो 32 किलोमीटर बाद आप गाड़ी आगे। ये बंटी मुझे कह रहा था कि मैंने पीछे बैठना है कहीं ना कहीं, जरा मजा लेना है बाइक पे किस तरह से होता है। आजा भाई क्या हो रही है, क्यों नहीं नहीं सुकून है, चल कर टेंशन ना ले। चलो भाई मेन चेक पोस्ट पे एंट्री हो चुकी है, और खड़े रहो अब तुम लोग इधर ही गाड़ी के पीछे। काली काली चलो भाई, नहीं नहीं चलाना आराम से है यार, बंटी बैठा हुआ है ना, गर्मी तो नहीं लग रही तुझे हैं?
वाह 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 वाह, गोरी साहब पिट्ठी को हवा लगवाते हुए। हाँ चेक कर बजरी किस तरह पड़ी यार, उस तरफ मौसम चेक कर तू, तुझे मेरी आवाज आ रही है पीछे? अच्छा मौसम चेक कर, ओए होए होए ना। हाँ 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 अल्लाह की कसम ना कर। नहीं 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 पेबल्स पेबल्स नहीं करता यार। हाथ लगाओ हाथ लगाओ लगाओ। यार बैठा तो चीज का मजा तो ले। मजा ले रहा हूँ, गियर नहीं है, गियर नहीं है प्रॉपर। ओए भाई यहाँ पे वो पकड़ने वाला। हाँ 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 अब नाइट था पकड़ने वाला नहीं था। हाँ कौन सी? हाँ फुल एंजॉय हटी ना, हटी ना, ना। यार व्यू चेक कर सामने, ओ हो अब खुली है वैली। बस पहली व्हीली मारे इकट्ठे दोनों बैठ के, अभी पहली व्हीली जिंदगी की ऐसे व्हीली। क्या हाँ
बंटी इस टाइम ऐसे बैठा है कि बस मुझे उतार दे किसी तरह रोक के। हाँ भाई वही तेरे तो हेट रहे होगे बाल। फुल एंजॉय भाई। तकरीबन सवा एक हो गया, आज हमारा जो है ना वो मूड लग नहीं रहा कि हम लोग कि हमने खुंजराब जो है ना वो जाने वाले इरादे ऐसे होते नहीं है। सुबह कितने बजे निकले थे हम लोग? 8 बजे के हम लोग निकले हुए हैं और जनाब क्या सवा एक हो चुके हैं और अभी हम लोग पहुंचे हैं, मतलब एक चेक पोस्ट हमने क्रॉस की है। कितना कितने घंटे का होगा सफ़र? और पौने घंटे का सफ़र अभी भी है। जैसे जैसे खुंजराब के करीब पहुंच रहे हैं सीनरी भी उतनी ही खूबसूरत हो रही है और मूड भी उतना ही अच्छा होता चला जा रहा है क्योंकि ठंडी हवाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। ये वाकई ये जो ठंडी यख हवा है ना वो सामने बर्फें जो पड़ी हुई है वहां से आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम हो गया। ओह ब्यूटीफुल राइड, ब्यूटीफुल राइड यार, सुभान अल्लाह यार। एक एक मोड़ मुड़ते जा रहे हैं और कलर्स टोटल चेंज होते जा रहे हैं। अब इस टाइम बिल्कुल रेस्ट माउंटेन शुरू हो चुके हैं इस तरफ और ये चिचीपेटी हो रही है इस तरफ। चिचीपेटी हो रही थी यार। प्लीज जो भी आप आते हो ना ट्रिप करने इधर हगन मुतन नहीं करना चाहिए यार, ये बड़ी साफ प्यारी जगह है। जलेबियां शुरू, जलेबियां। माशाल्लाह यार जलेबी जलेबी मरोड़ा मरोड़ा। ओए ट्रक आ लिया पाने परे जरा। यार जलेबियों पे जरा ख्याल से, वो याद है ना गोरखपुर और पसान। असल में हम लोग जा रहे हैं रुकते रुकाते क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है यार। ये हवा बड़ी तेज है, पता नहीं क्या सीन बना हुआ है। हमने कौन सा यहाँ पे रोज रोज आना है इन बाइक्स को लेके, तो हमने सोचा जरा खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए आराम आराम से पहुंचते हैं। सानू कोई जल्दी नहीं है, साढ़े एक मुंडे ने सर्कल जान लागे ने वो गड्डी के अंदर सुता पे है। ये क्या शीशे नहीं खोले थे गाड़ी के? वो नाजुक पर ही है ना नाजुक क्या मेरे पीछे बैठा पीछे बैठा को। अब टूम डालनी पड़ेगी वो ऐसे टू टू वो लॉक और मेरा एक बच्चा है तू सारे कुछ करी खड़ा है। शौक भी बड़ा था, शौक बुरा किया। अंदर बैठ के कहता अभी कोई लंबी रोड नहीं मिली, नहीं तो इसने तो मेरी टू, टू, अच्छा उतरती पता क्या कहता? उतरती कहता जिगरा है मेरा पीछे बैठने तेरा जिगरा है। अच्छा यार जितना खूबसूरत माशाल्लाह यहाँ पे सीन है ना बाइक्स उनके साथ पूरा उतना ही खूबसूरत, मतलब वो लग रहा है कि यार इस सीनरी के साथ ये खड़े होने के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे हमें हमारे काफी सब्सक्राइबर्स मिले, हमें खड़े हुए कोई आधा घंटा हो गया, ज्यादा हो गया यार। इतनी ये माशाल्लाह खूबसूरत और पीसफुल जगह कि दिल ही नहीं कर रहा। वैसे खुंजराब पे क्या मकसद होता है? एक गेट देखना, तो असल मजा ये है कि यहाँ पे इंजॉय करता हुआ बंदा जाए। यहाँ पे ये वाला जो पहाड़ का व्यू है ना और वो जो पीछे आ रहा है उफ खासतौर पे वो बहुत मजा कमाल। लेकिन जो राइड का मजा अब आ रहा है ना, ओए होए होए होए। चलानी नहीं नहीं जेडी चलाओ। गौरी साहब आप खुंजराब तक लेके जाना चाहेंगे? क्षमा कर दो महाराज, यार इतने अच्छे लग रहे थे अभी चलाते हुए। एलिफेंट्स एलिफेंट्स वो पापा की प्रिंसेस को तो देखो ठीक है, वो उसको ज्यादा सर्कल तो नहीं आ रहे। आजा आजा आजा। लो जी हसन की निकल आई है हुडी क्योंकि हसन बैठने लगा है शिकरे के पीछे। चला ले मैं तो कहता हूँ BMW आके, ऐसे हुडी मैच होएगी ना। ओए होए होए फुल फुल
असल मजा जो है ना वो एक्चुअल मजा अब आना शुरू है। अभी ऐसा खूबसूरत सीन, मतलब मैं हैंड्स डाउन दी बेस्ट, पाकिस्तान के पहाड़, पाकिस्तान की सीनरी, गिलगित बल्तिस्तान, नो मैच। आप मतलब देखो यार क्या क्या अल्लाह ताला ने यहाँ पे लैंडस्केप दिए पाकिस्तान में, उफ यार खूबसूरत। ये शिकरे पे बैठ के एंजॉय करना ये। और हमें सामने खुंजरा पास नजर आ चुका है, वो सामने पाकिस्तान चाइना बॉर्डर है। और इतना रश यार, इतना रश, अल्लाह अकबर। हमने जाना है गेट तक, तो अभी वो सीन करना है यहाँ से गुजर के गेट तक, क्योंकि मजा तो तभी आएगा जब राइड की इतनी दूर तक हम गेट से इतना दूर खड़े होकर अगर पिक्चर वगैरह बना लें तो मजा क्या आएगा, तो इसलिए भी हमने वहां जाना है। हेलो डैडीज, डैडीज किंग, आपको सुर कब आ गए थे? अभी ठीक हो आप? ये क्या हुए, बुल पाट गए कैसे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? थैंक यू यार, थैंक यू। और ठीक है आप? यार ये चेक कर, ये सीन, ये जो सारी वो जा रही है ना बाढ़, वो चाइना है सारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं? शुक्र अल्लाह का, ज़बरदस्त। दो क्यूटी से हमारे पास बच्चे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या हाल चाल है, क्या करना है? अच्छा थोड़ी रेस देनी है, ठहरो चलो। अच्छा लगा, एक और दो जोर से, थैंक यू। पसंद है आपको S1000RR? तो आपको इसका मॉडल भी पता है, शौक है, शौक है बाइक्स का? कौन कौन से और पसंद है? H2 कावासाकी निंजा, हार्ली डेविडसन, फ्यूचर बाइकर, ओ क्या बात है, अल्लाह ताला आपको सारी बाइक्स दे, आमीन। ओके जी, छोटू मियाँ, छोटू मियाँ, ठंड तो नहीं लग रही? चलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू। हम लोग बैरियर क्रॉस करके जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, क्योंकि मज़ा तो फिर ही है यार, मैं वही बता रहा था गौरसी साहब कि मज़ा तभी है कि अगर हम राइड करते हुए बॉर्डर के करीब जाएं। ओहो हो, कश्गर 420 130, बड़ा रश हुआ था यार, आते हुए नहीं मुझे लग रहा था। ओहो हो जी, S1000RR शिकरा और सामने चाइना बॉर्डर। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? अस्सलाम वालेकुम, अच्छा थैंक यू जी, थैंक यू, दुआएं आपकी जी जी, प्लीज़ बिल्कुल बिल्कुल चले। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया जी। ये व्लॉग ऑन था, आपका आने का मसला तो नहीं है, या क्रॉप कर दूँ इसको? ओके थैंक यू, आ जाए आ जाए आ जाए, आ रहे हो भाई, आ रहे हो। ऑलमोस्ट सारी हमारी शपैक गैंग है यहाँ पे माशाल्लाह, और माशाल्लाह हमारी सारी शपैक गैंग लाइव व्लॉग देख रही है आज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कर लें कर लें कर लें कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी जी जी, आ जाए आ जाए आ जाए, प्लीज़ बिल्कुल आए बिल्कुल आए जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू यार, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू यार, थैंक यू, ओके ओके ओके, चलें चलें, थैंक यू शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? हाँ जी आ जाएँ बिल्कुल, हाँ जी आ जाएँ बनाएँ प्लीज़, बिल्कुल बनाएँ, हाँ जी बिल्कुल, सैफुल राना, थैंक यू शुक्रिया यार, शुक्रिया, थैंक यू भाई, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो व्लॉग बना रहे हो हैं, क्या चैनल का नाम है? मूसा, चलो बना लो जी, थैंक यू शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू यार, थैंक यू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलें। मैं इंशाल्लाह आगे जाके ठीक है रुकूंगा, आपको फिर दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल लो बिल्कुल लो चलें, थैंक यू जी, थैंक यू शुक्रिया जी जी, प्लीज़ ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू। लो जी फाइनली पीछे आपको जो व्यू नजर आ रहा है हो गया फिर आखिर हो गया। गौरसी साहब इधर आए जरा मुक्के से मुक्का मिलाए थर्ड अटेम्प्ट में कभी हमें सर्दी रोक देती थी तो कभी सानू बर्फ रोक यहाँ पे हम पहुँच गए हम यहाँ। अच्छा तो हम पहले दो दफा बाइक्स पे हैं और दोनों दफा एक दफा सोस्त एक दफा अगली चेक पोस्ट और उन्होंने कहा जी वापस तो फिर आज फाइनली चलो पिक्चर बनाए निकले। अच्छा भाई हमारे बिल्कुल इस तरफ सामने जो है वो खुंजराब पास बॉर्डर है और हम लोग आए यहाँ पे एक कैफे है जिस कैफे का मुझे ये बताया गया कि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड साइड कैफे कैफे के ओनर वो कल हमारी मुलाकात हुई उन्होंने हमें बताया। फिर मैंने सर्च किया तो एक कैफे है लद्दाख इंडिया में रिंचन समथिंग वो 18,000 कुछ फिट की बुलंदी पे और हम लोग इस टाइम कितने 15,500 16,200 तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट किस तरह ओवरऑल है या वर्ल्ड हाईएस्ट बॉर्डर पे है ये बॉर्डर पे सर। अच्छा बॉर्डर वर्ल्ड हाईएस्ट बॉर्डर पे ये कैफे सही 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 जबरदस्त यार भाई जन क्या अच्छा है यहाँ पे चाय कॉफी सैंडविच। मेरे ख्याल अगला अब मेन तो हम खाना खाएंगे वो पहुंच के आगे हाँ कोई सैंडविच कॉफी ठीक है क्लब सैंडविच अच्छा चिकन हाँ पहले पानी देते हैं फिर पांच कैपेचिनो पांच सैंडविच विदाउट शुगर कैपेचिनो। सैंडविचेस हमारे आ चुके हैं और सैंडविच है कैसा मजे का बाकी या भूख बड़ी लगी हुई है ताज़ा है ना राइड करते हुए जरा मुंह सूख जाता तो कॉफी भी आ चुकी है शुक्रिया भाई जान थैंक यू। अभी निकले भाई हम लोग कैफे से और हमें हमारे बॉयज मिले अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है ये नहीं ये क्या हाल है कैसे हैं आप ठीक ठाक जबरदस्त जबरदस्त कराची प्लस इस्लामाबाद अच्छा सांस का मसला वो थोड़ा पीछे शीशे खोल देते ना फिर वो नॉर्मल हो जाता। थैंक यू यार थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया। कैफे से हम लोग निकल आए सैंडविच और कॉफी खा पी के और हमारा बिल बना है 5,060 rupees 10% ऑफ के साथ वरना 5,600 था सैंडविचेस और कॉफी का शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज। निकले निकल रहे हैं हम लोग खुंजरा पास से। अच्छा भाई हम लोग जब बॉर्डर पे पहुंचे तकरीबन बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हमारी पूरी शपैशी होंगी इकट्ठी होगी वहाँ पे तो वो पिक्चर्स और वो सारा काम चलता रहा। हमें ये भी नहीं समझ आई कि अपनी पिक्चर्स कब बनानी है कोई वीडियो का क्लिप कब बनाना है और बाकी सारी तस्वीरें चलती रही तो वो ज़्यादा मैं व्लॉग का पार्ट उस टाइम बना नहीं सका इतना वहाँ पे माशाल्लाह से हमारे मोहब्बती परिंदे मिल गए थे। अच्छा खैर अब जाते हुए एक्साइटमेंट फील करा दूँ आप लोगों को कि हमने फाइनली ये कर लिए फाइनली मतलब पहले शिकरे पे S1000 RR पे तो कर लिया ये एक बड़ी अचीवमेंट है बट इससे पहले शिकरे पे भी हम नहीं कर पाए थे खुंजराब। एक बार दिसंबर था स्नो थी जो मैं आपको बता चुका हूँ एक बार स्नो नहीं थी अप्रैल था बट चेक पोस्ट पे उन्होंने रोक लिया था कि भाई ऊपर स्नो होगी हम बाइक पे नहीं जाने दे सकते। तो अब अल्लाह का शुक्र है फाइनली खुंजराब पास पहली बार किया भी तो RR पे वो बहुत खुशी फील हुई यार कसम से बहुत खुशी फील हुई। अच्छा यहाँ वही वाह अच्छा यहाँ आके अभी हम कैफे पे बैठे तो टाइम देखा 6:30 की फट गई 6:30 हो गई यार मतलब हम वापस निकलो ये फिर एकदम नहीं यार रोशनी तो पूरी है फिर वो समझ आई कि चाइना का टाइम जोन पकड़ लिया फोन ने भी और वॉचेस ने भी तो वो हमें 6:30 दिखा रहा था वैसे भी 3:30 हुए। ओए होए 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 माशाल्लाह यार क्या बंदा इसको एक्सप्लेन करे कि ये सामने क्या सीन है इस टाइम उफ यार खूबसूरत माशाल्लाह ओए होए 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 हाई जमा लो बाबा लुटी पालो हो गया बे साडा खुंजरा पास कुदरत अल्लाह की सुभान अल्लाह ओए होए 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 गौरसी साहब जहाँ मर्जी चले जाओ मुड़ के वापस पाकिस्तान आओगे ना फिर कहोगे ऐसे पहाड़ ऐसी सीनरी आपको नहीं मिल सकती। वापस अब अगर हमारा कहीं पे दिल किया रुकना हुआ तो रुक जाएंगे अदरवाइज वापसी पे तोड़ो तोड़ शूटो शूट इंशाल्लाह सफ़र खींचेंगे अपना क्योंकि 4 बजने वाले हैं हमने रोज़ हम अंधेरा करके वापस रूम में पहुंचते हैं रोज़ ओए होए 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 ये यहाँ पे लोग खड़े में क्या सीन है और इनके पास दूरबीन भी है क्या चीज़ है भाईजान मारखोर नज़र आ रहे किधर है अभी मारखोर है तो सही बट अभी निकलते ही हैं गौरसी साहब क्या ख्याल है
ये जो सड़क आपको नजर आ रही है इस तरह जाती हुई वो नीचे तक, इस पे भी हम लोगों ने जाना है, इसी से आए थे। लो जी फिर हसीन वादियां आईयां, असी फिर ब्रेक ला छड़ी साडे ही काम चल रहे, जिथे दिल करे ब्रेक ला छड़ो। तुम लोग किसे पत्थर मार रहे हो? अच्छा भाई इसमें हम ये देख रहे थे कि वो पहाड़ है ना उस साइड पे, तो वो आंखों को देखने में लग रहा है कि इतना सा है। हाँ। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो जो छोटे छोटे बड़े पत्थर नहीं नजर आ रहे, हाँ। वो हो सकते हैं हमसे भी बड़े बड़े। हाँ। इतना ज्यादा वो मतलब आंखें उसको एब्जॉर्ब इस तरह से नहीं कर पाती। यस। मतलब बीच में अक्सर वैली आती है ना, खुलती है वैली, बंदे का दिमाग और आंख यकीन नहीं कर पाती और उसको इमेजिन नहीं कर पाती कि ये अब हमें लग रहा है ना कि सामने खड़ा है, तो यहाँ से जरा पैदल जाना शुरू कर उस तक, क्योंकि ये बहुत जाइंट पहाड़ है। तभी मैं तारीफे करता आ रहा हूँ कि जीपी जैसे पहाड़, और खास तौर पे ये जब आप क्रॉस करते हो ना पशुकोन से शुरू और यहाँ तक, ये आपको माउंटेन रेंज, ये फील, ये बैरन लैंड, ये नहीं आपको कहीं और देखने को मिल सकती। इतना जायंट स्ट्रक्चर है कि बंदा दिमाग नहीं कबूल करता उस बात को। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जिंदगी के मजे हैं जी, ये जिस तरह के व्यूज है ना जी, माशाल्लाह क्या बात है। वो बाबे नहीं सफर में निकले बेटा जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी बेटा। बाबा कहेंगे तुमने कैमरे इधर यार कर रहा हूँ, इधर चाहिए यार, तुम दोनों कट्ठे कट्ठे खड़े हुआ करो, उधर जा यार, ठीक है। ये जिस तरह बाबे, जिस तरह बाबे होते हैं ना, बाबे बच्चों को लेके निकले होते हैं, बच्चों को ये बच्चे। भाई काफी लंबा स्ट्रेच मारा है हमने वहां से लेके, अब आगे हमने ब्रेक लगाई है सोस्ट में पेट्रोल के लिए, कि दोनों बाइक्स में जरा पेट्रोल एक दफा डलवा लें और फिर आगे चलते हैं। सोस्ट से आगे तकरीबन हमारा कोई आधे घंटे का सफर होगा, मैक्सिमम आधा घंटा, क्योंकि पशु कौनसे तो हमें नजर आनी शुरू हो गई है इस पहाड़ के पीछे। भाई डलवाओ पेट्रोल, मैं तो जरा मंजी ते लत्ता सीधियां कर ला। ओए होए होए माशाल्लाह, मोहब्बत है मुझे इससे मोहब्बत। अभी भाई इसमें डला 7.26 लीटर, और जो पेट्रोल हम सुबह फुल करवा के लेके गए थे उसी में हम लोग खुंजराब से होके वापस भी आ गए हैं। अभी पेट्रोल था अंदर, बट वैसे ही एक दफा डलवा रहे हैं कि चलो खैर है, जाते हुए एक दफा पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो 7.2 लीटर डला। फाइनली पहुंच चुके हम लोग वापस। सबसे पहले मैं जरा हाथों की हालत दिखा दूं, हाथों की हालत देखना चाहेंगे? मुझे लगता है यहाँ से मेरी हड्डी के ऊपर से गोश्त आज थोड़ा सा खत्म हो गया होगा, बाकी दास्तान रूम में पहुंच के सुनाता हूँ। आहा जी, एपेक्स के गार्डन में क्या ही खूबसूरत व्यूज हैं। अभी यहाँ पे हम लोग अपना खाना शान ऑर्डर करेंगे और बैठ के खाएंगे रेस्टोरेंट साइड पे। रूम में जाके नहाए, और नहाने के बाद जो सुरत आई है, मैं कहता हूँ जिंदगी वापस महसूस हुई। एक तो जब हम सोच से गुजरे वो जो गर्मी थी, उसके बाद आगे जाके जो है ना खुंजराब से पीछे वो बहुत अच्छा सीन शुरू हो गया था। फिर वापसी पे जो सफर था वो भी कोई एक घंटे के अंदर अंदर सर्दी खत्म हो गई थी, और फिर वही गर्म हवा, मतलब हवा भी गर्म चल रही थी। कितने किलोमीटर की राइड हमने आज की है? 250 किलोमीटर, जो मतलब मजा वहाँ आता है कराकरम हाईवे पे जहाँ कर्ज जाते हैं, वहाँ मजा आता है ऐसे ऐसे बाइक लेके जाने का। और भाई साहब तो प्रोफेशनल हो गए, ऐसे जाते हैं लिटाने का लग गया, मैं नहीं लिटा, काफी ज्यादा लिटा लेता है। नहीं मेरी तारीफ ना किया करो मेरे सामने। हसन ने तो आज खूब झूले लिए शिकरे के पीछे बैठ के। हाँ, क्या एक्सपीरियंस था, देखा वो किस तरह से वाइट गाड़ी में वो चीज नहीं नजर आ सकती। गाड़ी में ना सिर्फ आपको एक विंडो से नजर आ रहा होता है सामने वाला, मतलब जो भी ग्लास लगा हुआ है उसके जो एक ब्रैकेट में नजर आ रहा है। लेकिन बाइक पे ये होता है कि वो विंडो ओपन हो जाती है, ओए। और ऐसे होता है कि आप इधर भी देख रहे हो, ऊपर भी देख रहे हो, बैक साइड पे भी आजाद फील हुआ बाइक पे, आजाद फील हुआ। और इन पहाड़ों में, इन पहाड़ों में, और हम पशु के सामने से गुजर रहे थे, तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का सीन था वाकई, मतलब बहुत मजा आया उस राइड का। एंड पे कैमरा ऑफ था, जेडी बैठे S1000RR पे मेरे पीछे, जिस टाइम हसन था शिकरे पे पीछे, जेडी था मेरे बाइक के पीछे, तो उस टाइम कैमरा बंद था, तो हम चारों राइड करते आ रहे थे, ये अकेला गाड़ी में था। कैसा मजा आया? यार बहुत ज्यादा। एक तो सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि जिस वक्त हम उसमें एंटर हुए हैं खुंजराब, ओए भाईजान आज तो भाईजान लग रहा, क्या बात है जी, आज भाई ने अन्नी डाल दी है।
अच्छा, खाने की तरफ आते हैं बाद में। जी जी डी कंटिन्यू। एक तो जब खुंजार पास में एंटर हुए बाइक के साथ और डाला के साथ, वो सीन बहुत अच्छा था। दूसरा, तेरे पीछे आज दूसरी दफा मेगा में मैं बैठा हूँ सुपर बाइक पे, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा खींचता है ना असल। अच्छा भाई, हमारे पास खाने में है व्हाइट चिकन कढ़ाई। व्हाइट चिकन कढ़ाई के बाद इन्होंने बनाया जी एक स्पेशल पुलाव, चिकन पुलाव। उन्होंने कहा खाओगे मजा आ जाए। फिर से एक व्हाइट चिकन कढ़ाई और यहाँ पे फिर से पुलाव, साथ में रायता, साथ में रोटियां। स्पेशल थैंक्स टू एपेक्स होटल जिन्होंने हमें हमारी फरमाइश पे ये खाना बना के दिया है। व्हाइट कढ़ाई मेन्यू में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें व्हाइट कढ़ाई बना दी। पुलाव भी मेन्यू में नहीं है, पुलाव भी बना के दिया क्योंकि हमने कहा था जी पुलाव बना दें प्लीज। अच्छा है, बहुत हले में प्लेट से तो बाद चावगा लिया भाई। घरेलू पुलाव तुम लोग, हाँ जी ओए कढ़ाई खाओ। मैंने एक निवाला खाया है जेडी से, व्हाइट चिकन कढ़ाई का, इतनी नेक्स्ट लेवल चिकन कढ़ाई है ऑनेस्टली, कोई इसमें वो दो राय वाली बात नहीं है। अभी मैं ये कह रहे हैं जी, मैंने कहा जी चिकन कढ़ाई खाओ, एक कहने ने तू पुलाव खा। लो जी पुलाव, बिस्मिल्लाह। कसम से आज जिस तरह का दिन गुजरा ना, ये खाना पैसे पूरे करवा दे, नेक्स्ट लेवल। जिस तरह घरों में साफ सुथरा टेस्टी पुलाव बनता है, हल्का सा यखनी वाली फील दे रहा है भाई। हमने जो खाना खाया ना, मजाक के अलावा बता रहा हूँ कि उस खाने को मैं इतनी मुश्किल से रुका हूँ कि आज मेरा वजन बच जाना है। हसन भी इतनी मुश्किल से रुके और उसके मास्टरमाइंड मास्टर शेफ माशाल्लाह आप हैं। यार इतना अच्छा खाना, मतलब ये मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे ये टेस्ट मैंने नहीं खाया हुआ। थैंक यू सर। तो किस तरह से, क्या क्या कहानी है, कितना अर्सा हो गया आपको ये करते हुए? मुझे बस 3 साल हो गए। अच्छा, 3 सालों से मैं कुकिंग कर रहा हूँ। सही सही सही, अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड, बस शौक कह लें आप। सही सही, शौक है और मेहनत थोड़ी सी, बस दिलचस्पी है थोड़ी सी कुकिंग में, इस वजह से। क्या बात है, वो जो खाना होता है ना जिसको कहते हैं उंगलियां चाटता रह गया बंदा, वो वाला खाना था, जबरदस्त। और खाने के बाद हमारा फ्रूट ट्राइफल आ चुका है, क्या बात है। मैं कहता हूँ आज जितनी जितना मुश्किल भाई आज हमारा दिन था ना, आपने उतना अच्छा बना दिया आज। काला ही कर रहा है मैं, सुबह लगा। और एक बंदा ताजा ताजा ही डायलॉग चोरी करके ले गया। हाँ बोलना था, बोल लेते भैया। फ्रूट ड्राइव, हाय हाय हाय।